सीधी जिले के अमिलिया बहरी के मध्य सोन नदी की जोगदह पुल नवंबर 2022 में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको कई बार सुधारा गया, बंद किया गया, चालू किया गया, परंतु इस पुल पर अब भी यात्रियों को आवाजाही में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो प्रशासनिक अमला है उनके द्वारा कई बार जेसीबी मशीन के माध्यम से इस पुल को बंद कराया गया और फिर यहाँ के लोग इसको चालू कर लेते हैं। कई बार लोहे के बड़े 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 बैरिकेड्स भी लगाए गए, लेकिन वे लोहे के बैरिकेड्स भी धराशायी हो गए, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। हालांकि जो सूचना मिलती है वो यही मिलती है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जेसीबी मशीन के माध्यम से उसे तोड़ देते हैं और आवाजाही शुरू कर देते हैं। आवाजाही किस लिए? यात्रियों के लिए नहीं, आम जनमानस के लिए नहीं, हैवी वाहन चलाने के लिए। और प्रशासन उन लोगों के आगे नतमस्तक है, और ख़ासकर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उन ऐसे लोगों के आगे हम उन्हें माफिया की श्रेणी देंगे, और ऐसे माफियाओं के आगे लहालोट हो रहा है, कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज दिनांक तक एक भी कार्यवाही नहीं की गई है। आखिर जब दुर्घटना होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब पुल को बंद कराया गया था तो MPRDC और PWD विभाग के द्वारा और जो भोपाल स्तर से निरीक्षण की टीम आई थी उसके द्वारा यह बताया गया था कि यह पुल भारी वाहनों को चलने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, इसमें सिर्फ छोटे वाहन, चार पहिए वाहन और ऑटो वगैरह चल सकते हैं, जबकि इसमें बस नहीं चल रही है। बड़े बड़े हाईवे वाहन इसमें दिन और रात में फर्राटे ओवरलोड लेकर के भर रहे हैं। यहाँ के नेताओं के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए कि जल्द ही पुल को चालू कर दिया जाएगा। विपक्ष के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन वह धरना प्रदर्शन और वह वादे धरा पटल पर नहीं उतर पाए, और आज स्थिति यह है कि इस कड़ी धूप में आम जनता जो यात्री है वह परेशान हो रही है, बस संचालक परेशान हो रहे हैं। वहीं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वे इस पुल की ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी गाड़ियों में चलना है और उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, उन्हें आम जनमानस से क्या लेना देना। यहाँ पर एक स्थानीय दुकानदार हैं, एक लड़का है हमारे पास, उस लड़के से हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने समय पर ओवरलोड हाईवे वाहन चलते हैं। आदर्श कुमार दीक्षित। अच्छा, कहाँ घर है? डढ़िया। डढ़िया ये दुकान खुले है? हाँ। ये बता वाला ला, कब कब यहाँ हाईवे वाहन चलत? यहाँ सुबह से लेके 24 घंटा चलता है। 24 घंटा चलता है? ये कब से चला इलाका है? यहाँ पता नहीं, अब हम ज़्यादा दिन से आए नहीं हैं, अब परसों से आए हैं यहाँ पास। हाँ चलत हैं? हाँ चलते हैं। ओवरलोड वहाँ? हाँ ओवरलोड। और बस वगैरह? बस वगैरह नहीं चलते हैं। अच्छा, तो जून यात्री लोग आवाज जाते हैं, पैदल वो आवाज जाते हैं? नहीं, पैदल तो जाते हैं पर ऑटो से जाते हैं। ऑटो से भी जाते हैं? हाँ। और कुछ पैदल भी आते जाते? हाँ। हैं जी। विधायक जी प्रणाम। स्वास्थ्य ठीक है? ये कह रहा जून पुलिया है जोगदह वाली, एमए कह रहा है कि कुछ दिन पहले बंद कराए दिन रहा, लेकिन स्थानीय लोगन के द्वारा एक फिर से चालू कराए दिन गए। में बड़े बड़े वाहन तो चल रहा, लेकिन यात्री वाहन नहीं चल पावल रहा। यात्री वाहन वाले सब धंधा करे जा थे जी, अब क्यों कही के न चलो आई हुए जी। चले खो चले न चले खो तो रुका रहा। हाँ, दो महीना बाद दुनिया बन गई जी, पुलिस न कुछ कही पावल रही, न प्रशासन कुछ कही पावल रहा है, मतलब एकदम नतमस्तक है जी। नहीं ये बताई, जैसे सबसे बड़ी समस्या ये हवा है कि हमके हाईवे वाहन से दिक्कत कोनो नहीं आ है, दिक्कत ये हवा है कि जैसे यात्री परेशान हो रहा है, वो बेचारे पैदल चल रहा है, यदि हाईवे वाहन चले की अनुमति है तो फिर बसाव चला, नहीं तो फिर पूरा बंद कराई दिन जाए जी। अच्छा, मतलब छूट है? हाँ रुका तो नहीं आ है।
जी 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 ठीक है, तो माने होगा बसाओ वाले चल सकते जी 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 ठीक है, वही चीज हमके जाने की रहा कि मतलब अगर बड़े वाहन चला रहा तो यात्री वाहन चले चाहिए ताकि लोगन की परेशानी ना हो। जी लेकिन ये हम नहीं कह सके जी, जब तक वो बनी नहीं है जी हम नहीं कह सके भारी वाहन पैसेंजर वाहन निकला है जी, सही बात यह है भाई, कोनो घटना दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी के लिए फिर आके, सही बात है जी। मौत के आंख में झोंकने वाले हैं, किसी भी दिन 16 चक्का हाईवा बालू लोड करके जाते हैं, कभी भी पुल बैठ सकती है, जनमानस का नुकसान होगा। जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की, नेताओं की नहीं होगी। कभी नेताओं की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन जिम्मेदार होता है कि नेता होंगे? तो प्रशासन किसके अंडर में? तो वो तो मना कर दियो, विधायक जी ने तो मना किया था कि भाई ओवरलोड ना चले, अब उनका तो कहना भर काम है, मानना तो अधिकारियों का काम है। मतलब ये कहा जाए कि इन ओवरलोड, कुल मिला के कहने का मतलब है रेत चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो रेत माफियाओं के आगे प्रशासन नतमस्तक है, रेत माफियाओं के चोरों के आगे नतमस्तक प्रशासन ही है। चोर चोरी से आता जाता है, सीना जोरी से नहीं आता जाता। सीना जोरी से जिस दिन आएगा उस दिन तो पकड़ा ही जाएगा। नहीं तो कहा तो जाता है, सरकार ये कहती है, पुलिस ये कहती है, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं। और अब तो लगता है कि कानून ने अपना हाथ जेब में डाल दिया। जेब में नहीं डाल दिया है, वो हाथ फैलाया हुआ है। दिन दहाड़े निकासी क्यों? दिन दहाड़े तो नहीं पर भोर और में निकालते हैं। अरे दिन दहाड़े हमारे पास विजुअल है, तुम आपको दिखाएं अभी तुरंत। तब आप फिर टीआई साहब के पास जाइए बहरी और पूछिए उनसे। उनका तो फोन ही नहीं उठता है, मैंने फोन लगाया था। अच्छा हाँ, नहीं अच्छे हैं टीआई, अच्छी हैं, बात करेंगे, फोन उठाएंगे, बात करिए आप। अभी आपने सुना कि सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक के द्वारा दूरभाष पर यह कहा गया है कि पुल चालू है और जो लोग चल रहे हैं वो अपने रिस्क पर चल रहे हैं, और जो लोग चलना चाहते हैं वो अपने रिस्क पर चल सकते हैं, न इसमें नेताओं की कोई जिम्मेदारी होगी, न प्रशासन की कोई जिम्मेदारी होगी। तो अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब आज के बाद से न तो यह पुल बंद होनी चाहिए और न ही पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी वाहन के खिलाफ कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। धन्यवाद, बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज़।